सब्सक्राइब कीजिए ई मित्र हेल्प वीडियो यूट्यूब चैनल और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है बोर्ड राजस्थान बोर्ड की उत्तर कॉपी ऑनलाइन किस प्रकार से प्राप्त करें, तो इसी के बारे में आपको आज बताऊंगा। तो दोस्तों, राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट जैसे ही आता है उसके बाद उसकी हम उत्तर कॉपी, जिसके अंदर अगर हम लगे कि हमारे मार्क कम या ज़्यादा हैं, तो उसको ऑनलाइन ई मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन करके मंगा सकते हैं। जो कॉपी हमें हमारे ऑनलाइन ही हमें प्राप्त होती है, जिसकी प्रिंट आउट लेके उसकी हम जांच करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि राजस्थान बोर्ड की उत्तर कॉपी ऑनलाइन किस प्रकार से प्राप्त करें। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ई मित्र पोर्टल पर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होते ही आपको ई मित्र की यूटिलिटी सर्विस का चयन करना है। जैसे यूटिलिटी सर्विस का आप चयन करेंगे, सर्च बॉक्स दिखाई देगा। सर्च के अंदर आपको BHER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो BHER कटे सिक्योरिटी फॉर एंसर बुकलेट उत्तर पुस्तिका आ जाएगा, इसको नीचे चयन कर लेना। जैसे इसका चयन करेंगे, थर्ड पार्टी पोर्टल का पूछा जाएगा, आर यू वॉन्ट टू गो थर्ड पार्टी पोर्टल। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना दोस्तों, सीधा ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आप बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर के इस पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। इसके पहुंचते हुए बाद दोस्तों, आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म इस साइड में दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सिलेक्ट क्लास लिखा जाए, कौन सी क्लास की बोर्ड कॉपी ओपन करते हैं। अभी सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2016 यही रिजल्ट आया तो यही बता रही है, फिर 10वीं का रिजल्ट जैसे ही घोषित होगा तो उसके भी यहाँ डिटेल शो होने लगी। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक कर लिया सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2016। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसका चयन यहाँ पे हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट किया तो ये इसका चयन हो गया। उसके बाद मैं रोल नंबर फिलअप करूँगा, तो यहाँ पे आपको 12th बोर्ड के रोल नंबर फिलअप करने, उसको फिलअप करने के बाद प्रोसेस पे क्लिक करना। जैसे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, आगे वाले ऑप्शन में आपको सारे सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो इसके अंदर लास्ट में जो बॉक्स दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। ये देखो, मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री का सेंड किया, केमिस्ट्री की थ्योरी कॉपी को मैं मंगाना चाहता हूँ, फिर मैं प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ। प्रोसेस पे क्लिक करते ही आगे पूरी डिटेल खुल जाएंगी। आपको यहाँ कोई भी आईडी का चयन करना है, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, जो भी है वो चयन करने के बाद यहाँ पे पूरा एड्रेस फिलअप करना है और कॉपी अपलोड कर लेनी। उसके बाद लास्ट में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ध्यानपूर्वक भरने हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको आगे बढ़ना है। आगे वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे बैंक डिटेल मांगी जाएंगी, तो यहाँ पे उस आवेदक की बैंक डिटेल फिलअप कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे ये क्लिक करके प्रोसेस पे क्लिक करना है। प्रोसेस पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ये डिटेल शो हो रही है, अमाउंट 300 रुपये और मेक पेमेंट का ऑप्शन है, तो आपको मेक पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन, तो लास्ट वाले ऑप्शन प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करना है और आपको इसकी प्रिंट आउट प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद इस तरह से कुछ प्रिंट आउट दिखाई देगी, आपको प्रिंट फॉर्म करके प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रखनी है। कुछ दिनों बाद आपके मोबाइल पे एक आईडी और एक पासवर्ड आपको भेजे जाएंगे, उस आईडी और पासवर्ड को डालते हुए आप उत्तर पुस्तिका का प्रिंट आउट लेके उसकी जांच करेंगे। फिर जांच करने के बाद जो भी आपको लगे कि इसमें हमें नंबर गलत मिले या फिर ज़्यादा मिले कम मिले, तो वो ऑब्जेक्शन आपको कर लेना है। तो दोस्तों, इसमें एक और ध्यान रखना है कि आपको जितनी भी कॉपी मंगानी हो एक ही बार में आवेदन करें, अलग अलग आवेदन आप इससे नहीं कर सकते। तो बाय बाय दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल ई मित्र हेल्प वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जल्दी मैं और भी ई मित्र कॉपी से कैसे डाउनलोड करते वगैरह जो भी वीडियो है मैं अभी जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो बाय बाय दोस्तों।